नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स लेकर के आई हूँ। अभी इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ फाइबर्स क्या होते हैं, कैसे वो बनते हैं, और इसके बाद में आपका मेरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। देखते हैं ये हमारा कितने प्रकार के जो फाइबर्स होते हैं वो होते हैं। तो दोस्तों, मुख्य रूप से जो फाइबर्स होते हैं आपके, वो नेचुरल फाइबर होते हैं और मैनमेड फाइबर्स होते हैं, यानी प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम या मानवकृत तंतु होते हैं। दो प्रकार के मुख्य रूप से तंतु होते हैं, और उनके और भी उसके अंदर की और भी उसके टाइप्स में वर्गीकृत किया गया है। देखते हैं जो नेचुरल फाइबर्स होता है इसमें कई प्रकार की होती है। पहला आपका है सेलुलोजिक। क्या है? सेलुलोजिक, जिसको बोलते हैं वनस्पतिक तंतु। दूसरा हमारा आता है प्रोटीन तंतु। तीसरा आता है मिनरल तंतु, यानी इस प्रोटीन को हम कह सकते हैं प्राणिज तंतु। क्या कह सकते हैं? प्राणिज तंतु, क्योंकि हमें प्राणियों यानी जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। तीसरा आपका खनिज तंतु है, जिसको हम खनिज या मिनरल्स कहते हैं। देखते हैं जो सेलुलोजिक फाइबर्स होता है ये क्या होते हैं। जो सेलुलोजिक मतलब जिस ऐसे फाइबर्स जिसमें सेलुलोज पाया जाता है, ऐसे फाइबर्स जिसमें सेलुलोज पाया जाता है उनको हम सेलुलोजिक तंतु कहते हैं। इनकी भी कई कैटेगरी है। देखते हैं पहला कॉटन और कपो। देखिए कॉटन और कपो किससे मिलते हैं? बीज यानी सीड पॉट से प्राप्त किए जाते हैं। कॉटन और कपो सीड पॉट से प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें से जो कॉटन होता है, कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं। और इसकी जो उत्पत्ति है कॉटन की, हमारी भारत यानी इंडिया है, भारत की उत्पत्ति, भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है कॉटन की। और जो कपोक होता है, ये कपोक से जो है कपड़े नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है उतने ऐंठन नहीं दी जा सकती कपड़े में। कपोक से कपड़े नहीं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा लिनन, जूट और हेम। लिनन, जूट और हेम, जो आपका लिनन मतलब ये तीनों क्या है? ये तने से प्राप्त होने वाले तंतु है। क्या है? तने से प्राप्त यानी स्टॉक से प्राप्त होने वाले तंतु होते हैं। यानी ये आपके बीज से है, कॉटन, कपोक, लिनन, जूट, हेम किससे हैं? ये तने से प्राप्त होने वाले तंतु हैं, जिसमें से आपका लिनन तंतु है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। लेकिन जूट और हेम्प से कपड़े नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने जो आपको प्रॉपर्टीज बताया था फाइबर्स के, प्राइमरी प्रॉपर्टीज, सेकेंडरी प्रॉपर्टीज, इस तरह गुण उसमें नहीं पाए जाते रेशे में, इसीलिए नहीं बनाए जा सकते। इसमें जूट है, जूट से जो हैंडीक्राफ्ट की चीजें होती हैं और रस्सियां बनाने के काम में आती हैं, हैंडीक्राफ्ट की चीजें जो बनती हैं उसको बनाने के लिए जूट का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो हेम्प होता है, हेम्प भी में भी गुड़ नहीं होता है फाइबर्स के, इसीलिए इसको इससे कपड़े नहीं बनाए जाते हैं। इससे मुख्य रूप से कागज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं रेमी। रेमी जो है ये भी एक सेलुलोजिक तंतु है। ये घास एक तरीके से होती है, चाइना घास, उससे जो है प्राप्त होता है रेमी। नेक्स्ट आते हैं क्वायर। क्वायर क्या होता है? क्वायर जो कोकोनट का छिलका होता है, गरी जिसमें होता है, उस छिलके से जो है क्वायर रेशा प्राप्त किया जाता है। ये भी उपयोगी नहीं होता है वस्त्र बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है पिना। पिना क्या होता है? ये पाइन एप्पल जो होता है, जो पाइन एप्पल अनानास होता है, अनानास की पत्तियों से जो है पिना के रेशों को प्राप्त किया जाता है। यानी ये इससे भी जो है वो मुख्य रूप से नहीं बनाए जाते। नेक्स्ट हमारा सीसल। सीसल जो है ये भी पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, लीफ से। तो ये अगावा लीफ होती है, जिससे जो होता है रेशे प्राप्त करते हैं। तो ये जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं, इससे कपड़े के बनाने के लिए गुड़ इसमें नहीं पाया जाता है, इसीलिए इससे वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। मुख्य रूप से इसमें जो बनाए जाते हैं वो कॉटन है, लिनन है, और इससे मुख्य रूप से जो है अच्छे कपड़े या कह सकते हैं कपड़े बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब आपका नेक्स्ट आता है प्रोटीन तंतु। देखिए प्रोटीन, और मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स में जो आपका सेलुलोजिक तंतु होते हैं उसमें अम्ल का प्रभाव, यानी जो सेलुलोजिक तंतु यानी वनस्पतिक तंतु होते हैं उसमें जो होता है अम्ल का प्रभाव पड़ता है। और सांद्र अम्ल एक ज्यादा मात्रा में अम्ल का प्रयोग किया जाए तो वो रेशा जो होता है नष्ट हो जाता है, यानी कपड़े जिससे बने होते हैं कपड़े भी, पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
और इससे जो नेचुरल फाइबर्स में होते हैं आपका सेलुलोजिक, इसमें मतलब जलाने पर उस रेशे को कागज जैसी गंध आती है। सेलुलोजिक तंतु को जलाने पर कागज जैसी गंध आती है और वो पीली लौ के साथ जलते हैं। कौन? सेलुलोजिक फाइबर्स। और इसमें जो कपड़े होते हैं किस लिए मुलायम होते हैं? क्योंकि इसमें सेलुलोज तंतु, सेलुलोज पाया जाता है और इसीलिए ये आरामदायक और मुलायम होता है, सेलुलोजिक तंतु यानी वनस्पतिक तंतु। और इसमें जो होता है जो, लेकिन इसके जो कपड़े होते हैं वो चिकने नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो है सेलुलोज पाया जाता है और इसके मतलब कि जो रेशे होते हैं बहुत ही छोटे छोटे रेशे होते हैं, यानी जो कह सकते हैं कॉटन की जो लंबाई होती है वो 1.5 से 2.5 इंच होती है, तो इस वजह से भी इसके जो रेशे होते हैं चिकनापन उसमें नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ जानकारी हो गई कॉटन मतलब सेलुलोजिक तंतु के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं प्राणी तंतु, जिसको हम प्रोटीन तंतु कहते हैं। प्राणी तंतु जिसे हम प्रोटीन तंतु कहते हैं, ये भी आपके कई प्रकार के होते हैं प्राणी। और इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो है प्रोटीन पाया जाता है। जैसे आपका मुख्य रूप से ऊल और सिल्क होता है, ऊल में जो है केराटिन नामक जो है प्रोटीन पाया जाता है, जबकि सिल्क में जो होता है उसमें फाइब्रिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। क्या? फाइब्रिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है और सेरिसिन नाम की ग्रोथ पाई जाती है, जिससे सिल्क का रेशा आपस में चिपका रहता है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन कौन सी है? तो फाइब्रिन नाम की प्रोटीन सिल्क में है, ऊल में जो है केराटिन नाम की प्रोटीन है। तो ये दोनों चीजें याद की लीजिएगा। अब आते हैं हमारा ऊल, सिल्क, कैमल हेयर, वेक्यूना, मोहेर, अल्पाका, कैशमियर और लामा, ये हमारे क्या है? प्रोटीन तंतु है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। और सबसे ज्यादा इससे जो मतलब कि प्रोटीन तंतु है, इससे लगभग कपड़े बनाए जाते हैं इसमें से। लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है, ज्यादा इससे यूज किए जाते हैं, वो आपके ऊल, सिल्क और विक्यूना। यानी ऊल और सिल्क तो आपको पता ही है, विक्यूना जो है सबसे उच्च किस्म के ऊन पाया जाता है। ये विक्यूना एक मतलब कि एक एनिमल है जिससे ये कपड़े मतलब इससे जो रेशा होता है बहुत ही मुलायम सॉफ्ट होता है, उससे सबसे महंगे कपड़े बनाए जाते हैं। और उसी तरह से आपका मोहर भी, अल्पाका भी है, लामा यानी के भी जो जानवर होते हैं, इनसे के रेशे से भी जो है कपड़े बनाए जाते हैं, यानी ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। और सिल्क को वस्त्रों का राजा कहा जाता है, सिल्क को वस्त्रों का राजा कहा जाता है। और सिल्क ही एक ऐसा तंतु है प्राकृतिक तंतु में जो सबसे लंबा इसका रेशा होता है, जो सबसे ज्यादा लंबा रेशा होता है, लगभग 300 से 400 मीटर इसकी लंबाई होती है। और यह शहतूत की पत्तियों पर, शहतूत के पेड़ पर पलने वाले कीड़ों से इसको प्राप्त करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि सिल्क का जो रेशा हम प्राप्त करते हैं, इसमें कीड़े को मार करके तब उसके ऊपर जो रेशे होते हैं उस रेशे को प्राप्त किया जाता है। बिना कीड़ों को मार करके हम रेशे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी इसकी जो रेशा कॉटन सिल्क होता है वो मतलब 4 स्टेज में सिल्क के जो कीड़े होते हैं उनकी होती है, जैसे अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, ये 4 अवस्थाएं होती हैं सिल्क की। तो ये मतलब कि अंडा से लार्वा बनता, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा अवस्था में इसको मार दिया जाता है। यदि इसको मारते नहीं, इसे कीड़ा बनाना होता है तो उसको कीड़ा बनने देते हैं और उसके बाद जो रेशा प्राप्त करते हैं वो उच्च किस्म का नहीं होता है। उच्च किस्म के लिए इसको प्यूपा अवस्था में ही इसको मार दिया जाता है। अब ये तो इतनी चीजें आपकी प्रोटीन तंतु से। अब इसमें मैं आपको सारी चीजों को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उनको डिटेल करूंगी। जैसे आपका कॉटन है, ऊल है, सिल्क है, रेयान है, नायलॉन, ये सारी चीजों को मैं आपको डिटेल करूंगी। लेकिन अभी आपको एक नॉर्मल चीजें कहाँ से क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी पहले। अब आपका आता है मिनरल तंतु, यानी प्राकृतिक में क्या है? मिनरल तंतु होते हैं जिनको खनिज तंतु कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। क्या? धात्विक और अधात्विक। इसमें आपका आता है सोना और चांदी होता है। इसमें आपका अधात्विक है एस्बेस्टस होता है। सोना और चांदी के जो तार होते हैं उनको जो है बड़े बड़े जो महंगे वस्त्र होते हैं उनमें लगाने के लिए इसका उपयोग में लाया जाता है। अधात्विक तंतु में केवल एस्बेस्टस ही ऐसा तंतु है और ये एक ऐसा प्राकृतिक में तंतु है जिससे जो है वाटर प्रूफ, एसिड प्रूफ और आपका जंग प्रूफ कपड़े बनाए के लिए इसका उपयोग किया जाता है एस्बेस्टस का। यानी ये एक अधात्विक यानी ये खनिज तंतु है। अब आते हैं मैनमेड फाइबर्स। मैनमेड फाइबर जिसको मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, और इसके पहले इसमें जो है भी देखिए कई भागों में हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया है। इसमें आपका है सेलुलोजिक, मैनमेड, मिनरल्स और इलास्टोमेरिक। देखिए जो सेलुलोजिक यानी ये कुछ पार्ट सेलुलोज के होते हैं,
इसमें यानी कुछ बांस की लुगदी से जैसे आपका रेयान बनाया जाता है, यानी इसमें कुछ सेलुलोजिक पार्ट उसमें मिले होते हैं, यानी ये सेलुलोजिक तंत्र होते हैं। क्या क्या है? रेयान, एसीटेट, ट्राई एसीटेट। यानी सेलुलोजिक मैनमेड में क्या होते हैं? रेयान, ट्राई एसीटेट और एसीटेट, ये क्या है? ये सेलुलोजिक मैनमेड फाइबर्स होते हैं जिनमें सेलुलोज का प्रयोग करके बनाया जाता है और इसमें रासायनिक तत्वों का प्रयोग करके भी मतलब मिला के बनाया जाता है। और ये यांत्रिक विधियों से बनाए जाते हैं। इससे यांत्रिक विधियों से बनाए जाते हैं, जबकि आपके ये जो मैनमेड फाइबर में आपका आता है ये रासायनिक विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी इनको कीप के द्वारा एक मतलब कि स्पिनेट के द्वारा उस घोल को डाल करके कीप के माध्यम से निकालते जाते हैं। जैसे जैसे वो रेशा सूखता जाता है वैसे वैसे वो क्या होता है, एक धागे का रूप लेने लगता है। जैसे लिक्विड, यानी एक लिक्विड होता है, लिक्विड को डालते हैं कीप के माध्यम से और फिर वो रेशे का रूप होता है जैसे वो सूखता जाता है। तो ये हमारा रासायनिक विधि होती है। और ये आपकी आंतरिक विधि जिसमें तत्वों को मिला करके बनाया जाता है, कुछ रासायनिक डाल करके तब रेशे का रूप दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं सबसे पहला तंतु कौन सा है, मानवकृत तंतु आपका रेयान है। क्या है? रेयान है। अब आते हैं जो आपका नायलॉन मैनमेड फाइबर में, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, ओलिफिन, सरन, ऑर्लान, विनाइल और मेटैलिक, ये क्या है? ये मैनमेड फाइबर है, ये मानवकृत तंतु है जिसमें रासायनिक विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये क्या है? ये रासायनिक विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं। सॉरी, ये आपका जो मैनमेड, यहाँ पर हमने यहाँ पे गलत लिख दिया आपका, इसमें मैंने इसका टाइप्स अभी नहीं दिया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ये आपका जो मिनरल फाइबर्स है, क्या है ये आपके मिनरल्स में जो रासायनिक विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी जो आपका ये मैनमेड फाइबर्स क्या है, ये नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, ओलिफिन, सरन और ऑर्लान है, ये हमारे क्या है, ये मैनमेड फाइबर्स है। मिनरल फाइबर्स आपके मुख्य रूप से दो होते हैं, एक ग्लास होता है, एक मॉड एक्रिलिक होता है। क्या होता है? एक ग्लास होता है और एक मॉड एक्रिलिक होता है, ये मिनरल्स फाइबर्स होते हैं और ये आपके क्या है, मैनमेड फाइबर्स है। नेक्स्ट आते हैं इलास्टोमेरिक फाइबर होते हैं जो काफी मतलब फैलने की गुड़ इसमें पाए जाते हैं। इसमें आपका एक स्पैंडेक्स है और रबर है। क्या है? एक स्पैंडेक्स और दूसरा रबर है। क्या है? ये इलास्टोमेरिक फाइबर्स है। और मैं आपका मिनरल मैंने बताया ग्लास और मॉड एक्रिलिक है, और मैनमेड आपका नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, ये आपके क्या है, मैनमेड फाइबर्स है, यानी सिंथेटिक फाइबर्स है। अब आपके आते हैं कि जो प्राकृतिक और जो कृत्रिम तंतु हैं इसमें मुख्य रूप से क्या अंतर पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, प्राकृतिक जो तंतु होते हैं इनकी जो मात्रा मिलती है वो सीमित मात्रा में मिलती है, जबकि जो हमारे कृत्रिम तंतु है हम इसको इच्छा अनुसार कितना भी बना सकते हैं। ये हमारे केमिकल या हमारे मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये इसमें परिवर्तन, यानी जो प्राकृतिक तंतु है उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यानी उसमें जैसा वो फाइबर होगा वैसे एसएच वैसे रहेगा, उसमें कोई हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बल्कि दूसरे रेशे के साथ मिला करके डिफरेंट तरीके से कपड़े बनाते हैं। जैसे आपका कॉटन और उल को मिला दिया, कॉटन और सिल्क को मिला दिया, इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन उसके गुणों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो रासायनिक होता है यानी मैनमेड होता है उसमें रासायनिक चीजें मिलाई जाती हैं, उसमें कम ज़्यादा अधिक करके उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसकी जो लंबाई होती है वो, इसकी मजबूती जो होती है वो निश्चित होती है। इसकी लंबाई और मजबूती क्या होती है प्राकृतिक की, वो निश्चित होती है और वैसे ये कम मजबूत होते हैं, लेकिन जो आपका नेचुरल आर्टिफिशियल होता है, मैनमेड होता है, वो मजबूत होता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वैसे जो मैनमेड फाइबर होते हैं वो प्राकृतिक तंतु से ज़्यादा मजबूत होते हैं और इसकी लंबाई को हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कितना उसको लंबा बना सकते हैं। तो ये हमारा है प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।